के प्रमुख समाज सेवी संस्था मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज एवं नव जागृति एजुकेशन सोसाइटी की सह संस्थापिका प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर श्रीमती पुष्पालाल का निधन बुधवार सुबह उनके निवास स्थान मिशन बंगला पर हो गया। दया करुणा मानवता की मिसाल कही जाने वाली स्वर्गीय डॉक्टर श्रीमती पुष्पालाल का जन्म 25 नवंबर 1929 को दामोह में हुआ। वो प्रदेश के वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय डॉक्टर विजयलाल की पत्नी थी। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर जिले में कई सामाजिक संस्थाओं की नींव रखी। उनके दोनों पुत्र समाज सेवी राजकमल डेविड लाल और डॉक्टर अजय लाल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज सेवा में संलग्न हैं। डॉक्टर पुष्पा लाल जी समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए जानी जाती रही हैं। इसीलिए उन्हें 1988 और 1990 में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके अलावा स्वर्गीय डॉक्टर पुष्पा लाल जी ने मदर टेरेसा के सानिध्य में रहकर दामोह क्षेत्र में समाज सेवा की एक मिसाल पेश की है। उनके ऐसे अनगिनत कार्य हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता, जैसे कि समाज सेवा, चिकित्सा क्षेत्र के अलावा दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, देखरेख और विधवा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने जैसी नई योजनाएं आरंभ की जो आज भी जारी हैं। दादाजी का बहुत अच्छा जीवन रहा, लंबा जीवन रहा, 93 वर्ष की उनकी उम्र थी। उन्होंने दमों के लोगों की बहुत सेवा की। अपने पति डॉक्टर विजय लाल के साथ, हमारे पिताजी के साथ मिलके नव जागृति स्कूल की शुरुआत की और मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज की शुरुआत की। हम लोगों को बहुत अच्छे उन्होंने संस्कार दिए, आगे बढ़ाया और पढ़ाया लिखाया। हम उनको याद करते हैं कि लोगों की उन्होंने बहुत सेवा की। उनके घर से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। लोग उनको दमों की मदर टेरेसा कहते थे और ये दमों के लोगों ने उन्हें सम्मान दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने नए आयाम कायम किए, राष्ट्रपति पुरस्कार भी हासिल किया शिक्षकों का, और सारा जीवन उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में व्यतीत किया अपने रिटायरमेंट तक। आज सुबह से जब से ये खबर गई है, दमों के बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं सांत्वना देने के लिए। सभी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए, हमारे दुख में आपने अपनी संवेदनाएं दी, हमारे साथ आप खड़े रहे। माँ का जीवन अनुकरणीय रहा। उन्होंने सेवा के बड़े बड़े आयाम स्थापित किए और हमेशा सबके लिए अच्छा सोचा, सबके लिए अच्छा कहा, सबके लिए अच्छा किया जो अधिकतम हो सकता था। और हम दोनों को और हमारे सारे परिवार को, शीला भाभी को, मेरी पत्नी इंदु को, हम सबों को बहुत प्रेम दिया, आशीर्वाद उनका बना रहा सब पर। हम लोग उनके जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और दमों के लोगों का और बहुत से लोगों का हम लोगों को इस समय में संदेश मिल रहा है। बहुत से लोग आ रहे हैं, हम लोग आभार व्यक्त करते हैं जो प्रेम और जो श्रद्धा अपनी वो माता जी के प्रति दर्शा रहे हैं सारे परिवार की ओर से। डॉक्टर पुष्पा लाल का निधन दमोह शहर के लिए ही नहीं, बनन समूचे जिले और प्रदेश के लिए, शिक्षा जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। यदि कहा जाए तो वो शिक्षा जगत की एक आधार स्तंभ में थी। समाज सेवा के क्षेत्र में उनका योगदान अद्वितीय है। मैं उनके निधन पर अपनी ओर से, जिले के समस्त पत्रकारों की ओर से शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस गहन दुख को सहने की उनके परिवार को सहन शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। ये थी समाज सेवा की एक अनूठी मिसाल श्रीमती डॉक्टर पुष्पा लाल जी। जिस शख्स से मिला हूँ उन्होंने उनके व्यक्तित्व के बारे में अलग अलग राय दी। किसी की आंटी हैं तो किसी की दादी तो किसी की टीचर जी। इतने सारे किरदार एक महिला में, हर शख्स आज उनके जाने का दुख जाहिर कर रहा है। इसीलिए तो कहा है मेरे वालिद मोहतरम शायर नैयर दमोही का वो शेर याद आता है कि अच्छे इंसान की पहचान यही है नैयर, अच्छे इंसान की पहचान यही है नैयर, बाद मरने के उसे याद किया जाता है। इम्तियाज़ चिश्ती, दमोह।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।